हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई जर्नी में। अभी सुबह के 7:20 का समय हुआ है और मैं हूँ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। आज की अपनी जर्नी होने वाली है इंडियन रेलवेज की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन में। ट्रेन नंबर है 12050 गतिमान एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है। निज़ामुद्दीन और आगरा के बीच में चलती है 160 की स्पीड पे। और इसके अलावा दो ट्रेन्स और हैं जो कि 160 की स्पीड पे चलती हैं, खजुराहो वंदे भारत और रानी कमलापति वंदे भारत। जो ट्रेन है वो 4 प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है। दोस्तों बात करूँ उसके शेड्यूल की, तो वीक में 6 चलती है, फ्राइडे को छोड़कर बाकी 6 चलती है निज़ामुद्दीन और वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन के बीच। टाइमिंग की बात करें तो हजरत निज़ामुद्दीन से सुबह 8:10 पर निकलती है और 12:35 पर पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, और 4 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। दूरी की बात करें तो 403 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाकी जो निज़ामुद्दीन और आगरा के बीच का जो सेक्शन है, इसमें इसकी MPS 160 की है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। कवच जो सिस्टम है इंडियन रेलवेज़ का, उसके कंपोनेंट्स के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस है। 130 की स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, 160 हमें देखने को नहीं मिलेगा। गाजियाबाद का WAP-5 लोकोमोटिव है जो हमें लेके जाएगा आज। दोस्तों अपनी ट्रेन का जो इनॉग्रल रन हुआ था वो 5 अप्रैल 2016 का हुआ था, और शुरू में ये आगरा तक ही चलती थी, और 2018 में इसको पहले ग्वालियर तक और फिर झांसी तक एक्सटेंड किया गया। अपनी जो जर्नी है वो आज चेयर कार में होने वाली है। कोच है अपना C2 और सीट नंबर है 50 विंडो साइड। तो ठीक 8:10 पे हमारा डिपार्चर हो गया निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। वैसे तो इसमें ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे। दोस्तों अपनी जो ट्रेन है ये चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास के साथ चलती है। इसमें 8 हैं वो चेयर कार के हैं और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के हैं। फेयर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो फेयर है वो 2280 रुपये है, और चेयर कार का जो फेयर है वो है 1125 रुपये, जिसमें कैटरिंग चार्जेस इंक्लूड हैं। कैटरिंग चार्जेस की बात करें तो चेयर कार का जो कैटरिंग चार्ज है वो है 175 रुपीज़, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 250 रुपये। और यहाँ हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, 9 तक ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व कर दिया जाएगा। तो अभी 9 से पहले ही हमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सर्व कर दिया गया। मैंने साउथ इंडियन ऑप्ट किया है, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या आइटम मिला है। तो ये तो है इसमें ब्रेड, बटर, ये चाय का सामान है, यूनिविक की कुकीज़ हैं 2, ये जैम है मिक्स फ्रूट जैम, और माउथ फ्रेशनर दिया गया है, सैनिटाइज़र है, और स्टील का चम्मच सर्व किया गया। देखिए मैंगो ड्रिंक है, और बाकी इनको अनबॉक्स करते हैं फिर देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें दिया गया हमें उत्तपम, उपमा, सांभर, और ये चटनी है नारियल की। खाने की टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट इसका बढ़िया है। अभी हम मथुरा को स्किप कर रहे हैं।
अच्छी खासी स्पीड में हमने पत्रा को स्किप किया। तो टाइम हो गया 10:02 और हम पहुंच गए अपने पहले हॉल्ट आगरा कैंट। यहाँ पहुँचने का जो सही समय है वो 9:50 का है, हम 12 मिनट की देरी से पहुँचे हैं। और दोस्तों बात करें हॉल्ट की, तो निज़ामुद्दीन और झांसी के बीच हमारी ट्रेन के दो ही हॉल्ट हैं, एक आगरा कैंट और दूसरा ग्वालियर। और यहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज टाइम है। तो 4 मिनट रुकने के बाद 10:06 में हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया आगरा से। तो आगरा फेमस है अपने ताजमहल के लिए और पेठे के लिए। स्टेशन पर स्टॉल्स पर आपको पेठे मिल जाएंगे। वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है यहाँ पर। तो 9 मिनट की देरी से हमारा अराइवल हो गया अपने सेकंड हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग डीबोर्ड हुए हैं, ट्रेन ऑलमोस्ट आधी से भी ज़्यादा खाली हो गई है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है, 11:07 पर पहुँचने का शेड्यूल टाइम था, बाकी 2 मिनट स्टॉपेज टाइम है। ग्वालियर एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गुना की तरफ हुई है, एक लाइन आगरा और एक लाइन झांसी की तरफ। 11:20 पर डिपार्चर हो गया हमारा ग्वालियर से। ग्वालियर से निकलने के बाद काफी ग्रीनरी देखने को मिल रही है।
तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले हमारा अराइवल हो गया अपनी डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पर। पंक्चुअलिटी के मामले में ट्रेन एकदम बढ़िया निकली, समय से 2 मिनट पहले ही हमें पहुंचा दिया अपनी डेस्टिनेशन पर। और बाकी इसमें साफ़ सफाई की बात की जाए तो कोच के अंदर की जो साफ़ सफाई थी वो बढ़िया थी, लेकिन वॉशरूम की जो साफ़ सफाई थी वो मेंटेन नहीं की गई थी। जब चली थी निज़ामुद्दीन से तब ठीक थी कंडीशन, लेकिन उसके बाद में उसको दोबारा साफ़ सफाई नहीं की गई। और खाने पीने की बात की जाए तो मैंने साउथ इंडियन ऑप्ट किया था जिसका टेस्ट बढ़िया था, और उसके अलावा आपको पराठे का भी ऑप्शन मिल जाएगा और कटलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तक स्पीड की बात है तो हमें 160 की स्पीड इसमें देखने को नहीं मिली, 130 का ही रिस्ट्रिक्शन है निज़ामुद्दीन और आगरा के बीच में, तो 130 पे ही चली और उसके बाद भी 130 पे मेंटेन रखा इसने और लेट नहीं हुई। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस इसमें बढ़िया रहा और अच्छी स्पीड में हमें लेकर आई, और थ्रू आउट जर्नी इसको प्रायोरिटी अच्छी मिलती है। तो बस आज की जर्नी में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।